सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड 2017 बैच जो चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है यानी कि परीक्षा है वो कब होगी, इसके संबंध में काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जो परीक्षा है वो आखिर कब होगी। तो उसी से रिलेटेड हमारी एक न्यूज़ निकल कर आई है यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपके बैच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि 2017 बैच के, आज उन्होंने जो पीएनपी सचिव हैं उनके द्वारा बातचीत के माध्यम से ये बताया है, जो कि आप फेसबुक पर लाइव उनका वो वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो पीएनपी सचिव हैं उन्होंने परीक्षा जो तिथि है वो अक्टूबर माह का जो अंतिम सप्ताह है उसमें जो है पेपर होने के चांसेस हैं चतुर्थ सेमेस्टर के डीएलएड 2017 बैच के। ये जो है एक अनुमानित तिथि उनके द्वारा एक आश्वासन के तौर पर बताई गई है पीएनपी सचिव के द्वारा, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैच के हैं रजत जी उनको और उनके द्वारा जो है मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से जो है वो बता रहा हूँ। तो ये डेट जो है वो एक अनुमानित तिथि है। अब इस तिथि को लेकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर जो है वो कब तक होंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो टेट के एग्ज़ाम से पहले होंगे। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो टेट के एग्ज़ाम से पहले होंगे, अभी की तारीख के मैं आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आगे क्या होगा टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी को साथ में कंटिन्यू रखिए, ऐसा ना हो कि फोर्थ सेमेस्टर में जो है कोई दिक्कत आ जाए जिससे आपको टेट में आगे दिक्कत हो। तो टेट की तैयारी भी करिए परंतु फोर्थ सेमेस्टर को भी अपने संज्ञान में जरूर रखिए। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।